अकाल तख्त दे हुक्मां ते चलदे होए बीआरएस नगर ई ब्लॉक सिंह सभा गुरुद्वारा वालों प्रवासी अते लोड़वंद लोकां लई हर रोज़ प्रशादा वंडिया जा रहा है। वड्डी गल ए है कि गुरुद्वारा कमेटी तो इलावा प्रशादे लई इलाके दे लोकी भी अपने घरों फुलके बना के गुरुद्वारा वालियां नूं भेज रहे हन। आओ गुरुद्वारे विच सेवा करदे यूथ तो पुछिए प्रशादे दा सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी बीआरएस नगर ई ब्लॉक गुरद्वारा साहब तो आए हैं यूथ विंग प्रधान गुरमीत सिंह बेली गुरु की कृपा दे नाल साढ़े ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक डी ब्लॉक ई ब्लॉक तो सारी सेवा फुलकियां दी सेवा उत्थों हो रही है। कुछ सेवा प्रशादा साहब दी गुरद्वारा साहब हो रही है। गुरु महाराज की कृपा दे नाल सेवा जिहड़े असी शेरपुर चौंक च आ उत्थे लोड़मंदा दे मूँह च रोटी पै रही है। असी सोच रहे हैं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी सेवा आप लै रहे हैं तो उस परमात्मा का असी कुटान कोट शुक्र करते हैं सच्चे पातशाह कलगियां वाले। यह तेरी सेवा ही है जो तू लै रहे अपने हाथी, यह कोई भी नहीं कर सकता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा के अनुसार ही सारी सेवा होंदी है। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं हैगा, कलगियां वाले के हाथ में ही सब कुछ हैगा मेरे दाता जी। और जो सेवा तू करा रहे तेरा कुटान कोट शुक्र है। अजय गरीबा का हाल देखा है, उन्होंने दो दिन की रोटी नसीब नहीं हुई और इन्ने खुश सके, इन्हों की खुशी के नाल साडा हिरदे बागो बाग हो गया। उस परमात्मा का कुटान कोट शुकराना करदा वा जिन्होंने साडे को सेवा लई है, उहदा शुक्र है। हे सच्चे परमात्मा तेरा कुटानो कोट शुक्र है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बस एक तुक ही कहना चाहवांगा, इत्थे जाके वस खान सुल्तान, जाके वस है सगल जहान, जाका किया सब किछ होए, तिसते बाहर नाहीं कोए। मतलब ए इन्नी वड्डी दुविधा साडे पूरे विश्व विच आई है, असी सोच भी नहीं सकते कि मतलब असी इदा की दुविधा सानू देखने को मिलेगी। सारा जग गुरु के महिमा नू देख के आश्चर्य होया पिया है। तो असी रब दे अगे यही अरदास करांगे, सरबत दा पला करी, सरबत वास्ते खुशियां रखी, तो सरबत वास्ते सानू सेवा करन दा उदम बख्शी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी अगे एक ही अरदास करांगा जी, जिहड़ी बीमारी बहुत भयंकर आई है और एक तुक है बाणी दी, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारे उबर तिते लेहो उबार, सतगुर सुख विखा लिया सच्चा शब्द विचार, नानक अवर न सूझी हर बिन बख्शन हार। सच्चे पातशाह बख्श लो ये जलदे हुए संसार नू, ये गुरु महाराज दी ही लंगर है जो चल रहा है जी। सब कुछ बंद हो गया, ट्रेना बसा एरोप्लेन सब बंद हो गया, लेकिन गुरु महाराज का लंगर जो गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर लाया अज तक चल रहा है जी और पूरे वर्ल्ड विच चल रहा है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज दी अपार बख्शिश दा सदका सारे सिख संगत जो बीआरएस नगर दी हैगी है रल मिल के उन्हां दे घरों प्रशादे ते सब्जी दी सेवा अतुट आ रही है, जिहदी असी रल मिल के सारी सेवा कर रहे हैं। शहर च जिथे सानू हुक्म हुंदा उत्थे रसद पहुँच जाती है, हर लोड़वंद नू प्रशादा टाइम नाल पहुँच जाता है। वाहिगुरु इसे तरह साडे तो सेवा ले जान, दे रोकता बख्शन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इत्थे जो ई ब्लॉक गुरुद्वारा साहब इत्थे बीआरएस नगर जो यूथ विंग है सारे रल मिल के आप ही कर रहे हैं जी। कोई कोई एनजीओ नहीं है, कोई यूथ विंग नहीं है, कुछ नहीं है, गुरुद्वारे का सहयोग है। फोन कर दिया ने कि आके साडे घरों लै जाओ। ਇਹ ਬੇਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੁਨਾਦੀ ਪਿੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋ ਕਰੀ ਜਿੰਨੇ 10-20 ਫੁਲਕੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਕਰੀ ਫਿਰ ਫੁਲਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।
संगत अपने श्रद्धा अनुसार जिन्हें प्रसादे सब्जी जो तैयार होंगी है वो असी करो करी उन्होंने घरों कलैक्ट कर लें। उन्होंने उत्थे कह देने कि गुरुद्वारा कट्ठ ना करो, असी सोशल डिस्टेंस मेनटेन कर रहे हैं, फिर उन्होंने घरों लैके इतने पैकिंग करके जा रहे हैं। इतने गुरुद्वारे के अंदर रसद तैयार हुई है, गुरुद्वारे वालों भी बहुत सहयोग है। ई ब्लॉक गुरुद्वारे के सरदार मनजीत सिंह जी की बड़ी कृपा है, वो सानू बहुत सहयोग कर रहे हैं। हर तरीके असी लंगर इतों तैयार पैकिंग करके फिर गुरुद्वारे की गड्डी भी सानू मिल रही है, लंगर के कड़ाए बाटे रख के असी लै जा रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉच डेली हितेशी, वॉइस ऑफ नेशन।